बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ शाहिद अंजम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, हमने ICS सेकेंड ईयर की जो स्टैटिस्टिक्स का है उसका चैप्टर नंबर 11 सैंपलिंग तकनीक्स एंड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू सैंपलिंग स्टडी कर लिया था। उसमें हमने कुछ डेफिनेशन स्टडी की, जिसमें हमने सैंपलिंग की डेफिनेशन, पॉपुलेशन, इनफाइनाइट पॉपुलेशन, फाइनाइट पॉपुलेशन की डेफिनेशन, सैंपलिंग सर्वे और कंप्लीट इन्यूमरेशन, सैंपल की डेफिनेशन स्टडी की और पर्पज़ ऑफ सैंपलिंग। आज हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में एडवांटेज ऑफ सैंपलिंग और उसकी लिमिटेशन की बात करते हैं, सैंपलिंग डिज़ाइन, सैंपलिंग फ्रेम, सैंपलिंग यूनिट और इस तरह से कुछ जो मिलते जुलते टॉपिक है आज हम वो उनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्लास है आपकी ICS सेकंड ईयर, ठीक है जी। सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सैंपलिंग टेक्निक्स एंड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस। टॉपिक आज का जो आप स्टडी करने जा रहे हैं वो है एडवांटेजेस ऑफ सैंपलिंग। क्या हमें सैंपलिंग करने के क्या फ़ायदे होते हैं, सैंपलिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उनको हम स्टडी करने जा रहे हैं। फॉलोइंग आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ सैंपलिंग ओवर ए कंप्लीट सेंस। एक कंप्लीट इन्यूमरेशन की जगह पे सैंपलिंग को ये जो चार हैं ये फोर एडवांटेज है। नंबर वन है टाइम सेविंग। पहला एडवांटेज है टाइम सेविंग। अच्छा, ये टाइम सेविंग क्या होता है कि इससे आपका सैंपलिंग करने से टाइम सेव हो जाता है। ए सैंपल सर्वे इन्वॉल्व लेसर अमाउंट ऑफ टाइम। ए सैंपल सर्वे इन्वॉल्व्स लेसर अमाउंट ऑफ टाइम ठीक है। ए सैंपल सर्वे इन्वॉल्व लेसर अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी देन आ कंप्लीट इन्यूमरेशन एंड एनर्जी देन द कंप्लीट इन्यूमरेशन या कंप्लीट सेंस, ठीक है। बोथ इन द एग्जीक्यूशन एंड द एनालिसिस ऑफ डाटा, बोथ इन द एग्जीक्यूशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। सैंपलिंग सर्वे जो होता है ना, टाइम सेविंग होता है दोनों में, एग्जीक्यूशन ऑफ डाटा और एनालिसिस ऑफ डाटा। कंप्लीट इन्यूमरेशन की निस्बत अगर देखा जाए तो ये टाइम सेविंग होता है। दिस इज ए वाइटल कंसिडरेशन व्हेन द इंफॉर्मेशन इज अर्जेंटली नीड एज द रिजल्ट फ्रॉम द सैंपल सर्वे आर मोर रेडली अवेलेबल, ठीक है। ये होता है टाइम सेविंग, जो पहला एडवांटेज है सैंपलिंग का कि इससे हमारा टाइम बच जाता है। देखें, हमारे पास अगर
5000 की पॉपुलेशन है, हम 5000 स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन लगा लें एक कॉलेज की, उनकी हाइट मेजर करना चाहते हैं कि उनकी हाइट क्या है। तो उसके लिए एवरेज हाइट अगर हम मेजर करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे कि 5000 स्टूडेंट्स को पकड़ेंगे, उनकी हाइट मेजर करेंगे, उसको लिखेंगे, फिर उसकी एवरेज फाइंड करेंगे। इसमें हमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, हमें एफर्ट भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, और हमें जो है ना वो कॉस्ट भी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगी इसके ऊपर। लेकिन उसके नस्बत हम क्या करते हैं कि उसमें से 5000 में से जस्ट 500 का सैंपल निकालते हैं पूरे कॉलेज में से, उन 500 स्टूडेंट का हम सैंपल का जो है वो उन बच्चों की हम हाइट मेजर करते हैं, उनकी एवरेज हाइट बता के हम कहते हैं कि पूरे कॉलेज की हमारी एवरेज हाइट इतनी है। तो इससे हमारा टाइम जो है ना वो सेव हो जाएगा। तो ये पहला एडवांटेज है सैंपलिंग का कि ये टाइम सेविंग होता है। नंबर टू, इकोनॉमिक। दूसरा एडवांटेज इसका इकोनॉमिकली ये हमें जो है ना फ़ायदा देता है सैंपलिंग। ए सैंपल सर्वे रिक्वायर्स लेस एक्सपेंसेस, ए सैंपल सर्वे रिक्वायर्ड लेस एक्सपेंसिव लेस एक्सपेंसिस एंड लेबर एज कंपेयर टू एंड लेबर एज कंपेयर टू अगर हम इसको कंपेयर करें किसके साथ, टू अ कंप्लीट इन्यूमरेशन एज कंपेयर टू अ कंप्लीट इन्यूमरेशन, अगर हम इसको कंप्लीट इन्यूमरेशन के साथ कंपेयर करें तो जो सैंपलिंग सर्वे होता है, जो सैंपलिंग होती है वो लेस एक्सपेंस होती है, कम खर्चा लगवाती है हमारा, ठीक है, एज कंपेयर टू कंप्लीट इन्यूमरेशन, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ कवरिंग बिकॉज द कॉस्ट ऑफ कवरिंग बिकॉज द कॉस्ट ऑफ कवरिंग ओनली अ फ्रैक्शन विल बी लोअर, ओनली अ फ्रैक्शन विल बी लोअर कि किसी एक फ्रैक्शन को कवर करने की कॉस्ट लोअर होती है देन डेट ऑफ कवरिंग द होल पॉपुलेशन, देन डेट ऑफ कवरिंग द होल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे देखिएगा इकोनॉमिक क्या है, ए सैंपल सर्वे रिक्वायर लेस एक्सपेंस एंड लेबर एज कम्पेयर टू कम्प्लीट इन्यूमरेशन, ये लेस एक्सपेंस और लेबर लेता है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उसने रीज़न बताई है कि किसी एक फ्रैक्शन को कवर करने की जो कॉस्ट है वो कम होगी एज कम्पेयर टू होल पॉपुलेशन को कवर करने से, ठीक है। तो इसलिए इकोनॉमिकली भी ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है सैंपलिंग। तो ये इसका दूसरा एडवांटेज था सैंपलिंग का। अभी स्टूडेंट्स क्योंकि अजान हो रही है तो अदब के लिए हम जो है ना थोड़ी देर के लेक्चर को स्टॉप करते हैं, दोबारा फिर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। Thank you.
जी स्टूडेंट, आगे हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो इसके दो एडवांटेज हैं उसको हम स्टडी करने करते हैं। अब पहला तो टाइम सेविंग, दूसरा इकोनॉमिक। अब तीसरे की तरफ जाते हैं हम। उम्मीद है कि आपको इन दोनों की समझ आ चुकी होगी। तीसरा एडवांटेज क्या होता है सैम्पलिंग का, उसको अब हम स्टडी करते हैं जी आपके सामने। आज का आपका लेक्चर जो है ना वो एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग के ऊपर है कि सैम्पलिंग के क्या एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। इसको हम स्टडी कर रहे हैं जिसमें से हमने दो एडवांटेजेस स्टडी किए हैं, जिसमें से पहला था टाइम सेविंग, दूसरा था इकोनॉमिक। अब तीसरे की बारी आ गई, हम देखते हैं तीसरे जी आपके पास एक्यूरेसी। थर्ड वन इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है? ए सैंपल सर्वे प्रोवाइड द रिजल्ट, ए सैंपल सर्वे प्रोवाइड द रिजल्ट। सैंपल सर्वे हमें एक ऐसा रिजल्ट प्रोवाइड करता है विच आर ऑलमोस्ट एज एक्यूरेट, विच आर ऑल मोस्ट एज एक्यूरेट ऑलमोस्ट एज एक्यूरेट एज दोज ऑब्टेन बाय कंप्लीट इन्यूमरेशन, एज एक्यूरेट एज दोज ऑब्टेन बाय complete enumeration, ठीक है। कि सैम्पलिंग सर्वे का रिजल्ट जो है ना कंप्लीट इन्यूमरेशन के रिजल्ट की तरह ही एक्यूरेट होता है, तो इसलिए ये हमें एक्यूरेसी सैम्पल से जब मिल जाती है तो फिर हमें कंप्लीट इन्यूमरेशन की जरूरत क्या होती है, फिर हम क्यों करें। ए प्रॉपरली डिजाइन एंड केयरफुली एग्जीक्यूटेड सैम्पल ठीक है, सैंपल सर्वे विल प्रोवाइड इवन बेटर रिजल्ट, कि अगर आप जो सैंपल लेते हैं वो पूरी एहतियात के साथ और एक डिज़ाइन के ज़रिए उसको डिज़ाइन करके सैंपल लिया जाए, सैंपलिंग सर्वे की जाए, और जो उसका रिज़ल्ट आएगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है जी, वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, वो पॉपुलेशन के रिज़ल्ट के बिल्कुल करीब तरीन होगा। तो ये था थर्ड जो है ना एडवांटेज ऑफ़
सैंपलिंग। अब फोर्थ एडवांटेज की बात करते हैं, फोर्थ वाला कौन सा है सैंपलिंग का जो एडवांटेज है। उसके बाद फिजिबिलिटी, फोर्थ वाला जी फिजिबिलिटी। सम टाइम द डेटा आर ऑब्टेन बाय टेस्ट, सम टाइम द डेटा आर obtained by test, sometimes the data are obtained by test that are sometimes the data are obtained by tests that are destructive, डेटा आर डिस्ट्रक्टिव। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू नो द एवरेज लाइफ ऑफ सर्टन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, टू नो द एवरेज लाइफ ऑफ सर्टन बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं हमने उनकी लाइफ टाइम जो है ना वो कैलकुलेट करनी है, देखनी है कि लाइफ टाइम क्या है। वी शैल टेक अ सैंपल ऑफ दीज दोज बल्ब्स, वी शैल टेक अ सैंपल ऑफ दोज बल्ब्स, हम उन बल्ब्स का सैंपल लेते हैं ठीक है। वी शैल टेक द सैंपल ऑफ दोज बल्ब एंड कीप देम ऑन अनटिल दे बर्न आउट, एंड कीप देम अनटिल दे बर्न आउट। तो हम तब तक उनको टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं जब तक वो बर्न आउट नहीं होते ठीक है। We cannot think of testing the whole lot. We cannot think of testing the whole lot. तो हम उस वक्त ना पूरी की पूरी लॉट को टेस्ट करने का सोच नहीं रहे होते। उसकी रीज़न ये है कि देखें, अगर हमने एक कंपनी ने एक दिन के अंदर या एक माह के अंदर या एक लॉट के अंदर 20,000 बल्ब बनाए हैं, तो क्या वो 20,000 बल्ब की लाइफ टाइम चेक करने के लिए 20,000 के 20,000 को ही लगा के चेक करेंगे? ऐसा मुमकिन भी नहीं होता। तो इसलिए फेजिबिलिटी के लिए, आसानी के लिए हम क्या करते हैं, हम सैंपल ले लेते हैं और सैंपल के रिज़ल्ट से जो रिज़ल्ट आता है उसको पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज कर देते हैं ठीक है जी। In testing blood of patient, we do not drain the entire blood out of him. हम किसी भी इंसान का, जब ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल जो मैं देने जा रहा हूँ कि अगर किसी इंसान का हमने ब्लड टेस्ट करना है तो क्या हम ऐसा करते हैं कि उसकी बॉडी में से सारा ब्लड निकाल लिया जाए? ऐसा मुमकिन नहीं है। तो फिजिबिलिटी के लिए हम फिर क्या करते हैं कि उसमें से थोड़ा सा सैंपल लेते हैं, उसको टेस्ट करते हैं और बता देते हैं कि इस इंसान के ब्लड के अंदर ये वाली बीमारी डिजीज़ है या नहीं है, इसके सिम्टम या जरासीम्स हैं या नहीं है। तो इसके लिए भी फिर हमें फेजिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, सैम्पलिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग का एक हिस्सा है। तो ये तो बेटा जी बेसिकली जो है ना फोर एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग। अब हम नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन ऑफ सैम्पलिंग को स्टडी करते हैं, इसके साथ ऐड कर लें प्लस लिमिटेशन ऑफ सैम्पलिंग, एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग प्लस लिमिटेशन ऑफ सैम्पलिंग।
अब हम लिमिटेशन की बात करते हैं कि सैंपलिंग की लिमिटेशंस क्या होती हैं, मतलब सैंपलिंग किन जगह पे नहीं अप्लाई की जा सकती, वहाँ पे कंप्लीट इनिमरेशन ही लगाई जाएगी। वो कौन सी सिचुएशन है उनको अब हम स्टडी करते हैं लिमिटेशन ऑफ सैंपलिंग में। लिमिटेशन ऑफ सैंपलिंग द इफ द बेसिक फैक्ट ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट इन द पॉपुलेशन आर नीडिड लिमिटेशन ऑफ सैंपलिंग इफ द बेसिक फैक्ट्स ऑफ ईच इफ द बेसिक फैक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट इन द पॉपुलेशन ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इफ द बेसिक फैक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन आर नीडिड आर नीडिड सेंस बिकम इनडिसिप्लिनेबल सेंसेस बिकम इनडिसिप indispensable, ठीक है, the sample will not meet such a requirement, the sample will not meet such a requirement। तो ऐसी situation में हम sampling को prefer नहीं करेंगे बल्कि हम कंप्लीट इनिमरेशन ही करेंगे। जब हमें पूरी की पूरी पॉपुलेशन की ज़रूरत होगी तो फिर हम सैंपलिंग नहीं करेंगे। जैसे देखें, अगर हम मर्दमशुमारी कर रहे हों तो मर्दमशुमारी में हम ये नहीं कर सकते कि किसी एक घर के 3 अफराद का डाटा ले लिया, 4 अफराद का ले लिया। हमें क्या करना पड़ेगा, तमाम लोगों की गिनती करनी पड़ेगी जो कि आपकी मुल्क का हिस्सा हैं। अच्छा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल द लिस्ट ऑफ इनकम टैक्स पेयर For example, the list of income tax payer, जो income tax pay करने वाले लोगों की list है, तो हम ये नहीं कर सकते कि उसमें से sample ले के तो उनमें जिनका जो sample का हिस्सा बनते हैं हम उनसे जो है ना income tax ले लें। ऐसी situation में हमें पूरी की पूरी list से जो है ना वो income tax लेना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी आपकी सैंपलिंग जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। पेयर्स इज प्रोड्यूस्ड वेरी केयरफुली ठीक है, उसके बाद द लिस्ट ऑफ वोटर इन इज प्रिपेयर टू इंक्लूड द नेम ऑफ ईच एंड एवरी वोटर द लिस्ट ऑफ इसके बाद है द लिस्ट ऑफ वोटर्स ऑफ द लिस्ट ऑफ वोटर्स इज produced
to include the list of voters is produced to include the name of each and every voter. ठीक है जी, तो ये इसकी एग्जांपल थी लिमिटेशन ऑफ सैंपलिंग की। इसमें हमने स्टडी किया है कि किन जगह के ऊपर सैंपलिंग हम नहीं लगा सकते। कुछ फिनोमिनाज ऐसे होते हैं जहाँ पे सैंपलिंग यूज़ नहीं की जा सकती। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम इनकम टैक्स पेयर का डाटा लेते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि उनमें से चंद एक का सैंपल लिया और उनसे इनकम टैक्स ले लिया। या प्रॉपर्टी टैक्स है, उसमें भी ऐसा नहीं कर सकते। हम मर्दमशुमारी करते हैं, उसमें भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी जो सैंपल का हिस्सा होने वाले रिस्पोंडेंट हैं उनसे डाटा ले लें और बाकी से डाटा नहीं लें। तो ये थी लिमिटेशन ऑफ सैंपलिंग। अब पढ़ते हैं सैंपलिंग डिज़ाइन क्या होते हैं। सैंपलिंग डिज़ाइन, सैंपलिंग डिज़ाइन क्या है जी? अ सैंपलिंग डिज़ाइन इज अ प्रोसीजर और प्लान सैंपलिंग डिज़ाइन एक प्रोसीजर होता है या एक प्लान होता है फॉर ऑब्टेनिंग ए सैंपल from a given population prior to collecting the data एनी डाटा। जी इसको समझे ज़रा, ये क्या है कि सैंपलिंग डिज़ाइन एक ऐसा प्रोसीजर या प्लान होता है जो हम सैंपल ड्रा डाटा कलेक्ट करने से पहले एक डिज़ाइन बनाते हैं कि हम इस तरह से सैंपल लेंगे। जैसे देखिए, हम क्वेश्चनियर के थ्रू सैंपल लेंगे, हम जो है ना वो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से सैंपल लेंगे, या हम किसी इन्वेस्टिगेटर को हायर करेंगे कि वो सैंपल लें। वो जो प्लान होता है, जो मनसूबा बनाना होता है ना, उसको सैंपलिंग डिज़ाइन कहा जाता है। ठीक है, To collect the डिटेल information is known as survey. अगर कंप्लीट information ली जाए, मुकम्मल information ली जाए, तो फिर आपको पता है कि वो sampling survey कहलाता है। When a survey is carried out by a sampling design, जब कोई survey sampling design के ज़रिए किया जाता है, it is called sample survey. तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, sample survey. A sample survey should be properly planned and carefully executed in order to avoid इंक्रीज़ कि इसमें से गलतियों को निकालने के लिए, एरर को निकालने के लिए एक जो सैंपलिंग सर्वे होता है वो बड़ी प्रॉपरली प्लान और केयरफुली एग्जीक्यूट किया जाता है, लिया जाता है। ठीक है, ये था सैंपलिंग डिज़ाइन के, जिसमें हमने पढ़ा कि सैंपलिंग डिज़ाइन जो होता है उसमें हम एक डिज़ाइन बनाते हैं जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करने से पहले एक प्लान, एक मनसूबा के तहत बताते हैं वो मनसूबा, वो प्लान कि हम किस तरह से सैंपल को ड्रा करेंगे।
उसमें मैंने आपको बताया कि वो थ्रू क्वेश्चनियर हो सकता है, थ्रू पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, थ्रू फोन कॉल हो सकता है, थ्रू इंटरनेट प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा हो सकता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा हो सकता है। लेकिन उससे पहले जो हम मंसूबा या प्लान देते हैं इसको हम क्या कहते हैं, सैंपल डिज़ाइन, सैंपलिंग डिज़ाइन। तो बेटा जी ये था बेसिकली आज का आपका लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके कुछ और फिनोमिनास को स्टडी करेंगे, सैंपलिंग को। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।